अस्सलाम वालेकुम खातिन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का सवाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। हाज़िर शो का आगाज़ कर रहे हैं एक ही ख़ानदान के मुख्तलिफ़ मेंबरान की बातों से, गिलों से, शिकवों से, मोहब्बतों से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जुनैद, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? करकंजा, आपकी सेहत भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या गिले शिकवे, क्या प्रॉब्लम्स होनी है? बासूल अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो कोई मुश्किलें नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ असूल बनाने चाहिए ज़िंदगी के, और वो असूल जो हैं उन पर फिर स्टैंड लेना चाहिए। और अल्लाह के फजल से हमेशा मैंने तो ये असूल रखा है, इसलिए ना बेगम से कभी इख्तलाफ हुआ, ना कभी औलाद से हुआ है। अक्सर जो अगली जनरेशन होती है उससे इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, मगर मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। कम्युनिकेशन गैप विद जनरेशन गैप। जी हाँ जी हाँ, मगर मैं ये गैप नहीं आने देता जी। मैं कहता हूँ कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी लाजमन मौका भी देना चाहिए और उसकी सुननी भी चाहिए। बिल्कुल हाँ, आपके इखलाकियात के, आपके मजहब के हवाले से अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो उस पर आप जरूर स्टैंड। साहब आप तो बहुत खुशकिस्मत है, मैं आपकी ये जो अगली जनरेशन है इससे मिला था अलहदगी में, बहुत अक्ल और दानाई की बातें करता है ये आपका। बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। और ये इसमें एक खूबी है जुनैद साहब कि ये हर बात जो है वो सिर्फ बेगम से नहीं करता, हमारे साथ भी करता। असल बात ये जुनैद साहब वाकई बहुत अच्छा बच्चा है, खाना खुद खाता है। अब खाना तो खाना, चाय का प्याला खुद उठा लिया इसने, थोड़ा टाइम लगा लेकिन उठा लिया। वेट लिफ्टर डंबल उठाता है ना, उस तरह उठाता है। तरबियत तो देखिए ना किस माँ की है, प्याला उठाने की तरबियत। अच्छा बाबा तुम ही ले लो ये अवार्ड, हम नहीं बोलते उसको। मैं कोई उन दिनों नाइजीरिया तो नहीं रहता था। तो जुनैद साहब मैं तो इनको बड़ी हौसला अफजाई करता हूँ इनकी, और मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने मंजिल की तरफ जाने के लिए आप जो रास्ता इख्तियार करना चाहें, हमें अगर दूरी भी इख्तियार करनी पड़े या हमें अपना रास्ता बदलना भी पड़े तो वी आर रेडी, नो प्रॉब्लम। कर्नल साहब फलसफा क्यों झाड़ रहे हैं, सीधा बताएं कि बेटे का वीजा लग गया, वो बाहर जाना चाह रहे हैं हमें छोड़कर। अम्मा किसका दिल करता है घर छोड़ के जाने को, अच्छा चांस मिल रहा है तो इस वास्ते जा रहा हूँ। तो बेटे नौकरी तो यहाँ भी लगी हुई है ना, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बीवी की पट्टी है ये सारी? अम्मा उसने पट्टी क्यों पढ़ानी है, मैंने खुद अप्लाई किया था। तो यहाँ इतनी अच्छी नौकरी है वो क्यों छोड़ के जा रहे हो? अरे वैसे कैसे, मैंने कभी पूछा नहीं कि यहाँ क्या आपका बेटा जॉब करता है? मोर के पार बेचता है। क्या मतलब होगी जुनैद साहब, माशाल्लाह MBA किया हुआ है। अच्छा अच्छी जॉब है, यहाँ पे भी अच्छी जॉब है, एक ऑफिस में काम करता है एक प्राइवेट कंपनी में। अच्छा मैं समझता था यहाँ पे टोरंटो मार्केट में तोतों को दाना खाना सिखाता है। मैंने रिश्ता करते हुए कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा कि क्या करता है लड़का, क्या जॉब है इसकी। मैंने देखा कि शरीफ फैमिली है, नाइस लड़का है, सजीला बांका जवान है, तो मैंने शादी कर दी। हाँ काम पास करके मैंने ये देखा, जरूर चेक किया कि सांस आता कि नहीं। आपने तो अपनी दोस्ती की नजर कर दिया ना बेटी को, मतलब आपने दोस्ती की वजह से रिश्ता दे दिया। जुनैद भाई मैं आपको एक बात बताऊं, दुरानी बड़ा प्यारा आदमी है। जी हम दोनों ने जब बैठ के रिश्ते की बात की तो मैंने इसे कहा कि बच्चे की अभी नौकरी लगी नहीं है कोई अच्छी, तो इसने कहा कि यार रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है, बेशक जो इनके नसीबों में लिखा हुआ है वो इनको मिलेगा इंशाल्लाह। शरीफ बच्चा है बस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ इतना शरीफ है मेरा बेटा, इतना शरीफ कि गर्मियों में भी ऐसे घूमता है। तो बात ये है कि अब अगर उसे चांस मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए, अच्छी तनख्वाह मिल रही है और वो कंपनी जो है वो ये भी कबूल कर रही है कि बीवी को साथ ले आओ। अच्छा आपको इतराज क्या है उसके बाहर जाने पे? जुनैद साहब मैं दिल पर पत्थर रख के अपने लाडले को भेज भी दूं, लेकिन साथ ये जा रही है, तीन गुना क्या छह गुना भी ज्यादा तनख्वाह हो, इसने टका बचने देना है? भाई मेरी बात सुनो, उनका आपस का मामला है, वो जाहिर है समझदार हैं, जवान हैं, शादीशुदा बच्चे हैं, खुद अपना सारा कुछ मैनेज करेंगे। तुम्हें क्या जरूरत है, अगर वो नहीं बचाएगा वो अपनी बीवी पे लगाएगा तो तुम्हें क्या तकलीफ है? या तो है ना मुझसे तुम पैसे नहीं लेती, या मेरे दिए हुए पैसों पर तुम्हें पूरा नहीं होता, तो फिर तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। बच्चा अब शादीशुदा है, उसको अपनी जिंदगी गुजारने दो। अब्बू मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बोलो बेटे
मुझे पता है तुम थक जाते हो। अबू मैं आपको अंदर की बात बताने लगा हूँ। अम्मी ये चाह रही है कि पिंकी मेरे साथ बाहर ना जाए, इसकी जगह पे मामू मेरे साथ जाए। हाँ, तो ख्याल रखेगा इसका। हवाई जहाज पे जाना है ना, बैरी जहाज पे नहीं है ना प्लान उनका जाने का। डैडी मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इतने अच्छे काम में अम्मी इतनी नाफना डाल रही है। हालांकि सबसे ज्यादा पैसे की सेविंग मैं करती हूँ और इनको अच्छे बुरे काम की एडवाइस भी देती हूँ। साथ चली जाऊंगी, इनकी हेल्प करवाऊंगी ना। मान गई ना, किसी की पट्टी है। मान गई ना। तो तुम उसको भाई को क्यों भेजना चाहती हो? उसका ख्याल रखेगा। किसका? बेटे मेरे का। ये मिट्टी खाता है। शादीशुदा आदमी है, अपनी बीवी को साथ लेके जाने दो। क्या फजूल बात कर रही हो? तुम्हें आज तक भाई नहीं भूल रहा। हर काम में भाई को डाल लेती हो। भाईजान बिलीव करें, मैंने आप ही को खुद कहा है कि मुझे ना भेजें, क्योंकि पीछे से भाईजान उदास हो जाएंगे। मुझे मस्जिद में ले चलो, मैं नहीं उदास हूँगा। बल्कि अगर साथ बहन को भी ले जाओ तो मैं उदास नहीं हूँगा। जिस दिन मैंने आपको अदरक वाला अंडा बना के दिया था, उस दिन तो आप कह रहे थे कि मेरा साथ ना छोड़ना। नहीं, तुम चले जाओ, आप अदरक वाला अंडा ये बना लेते हैं, चले जाओ। हाँ है, बात बेटे और बहू की हो रही है और आप मेरे भाई के पीछे पड़ गए। तो बेटे और बहू को जाने दो ना, उसमें अपने भाई को मना करो ना, वो लोचना ना डाले। भाई जान मैं कब जाना चाह रहा हूँ बाहर? ये भांजे ने मुझे 2-3 दिन पहले कहा था कि मामू आप मुझे बाहर बहुत याद आएंगे, तो आप ही ने कहा कि आप साथ चले जाएं। जब तुम लोगों के वालिद साहब फौत हुए थे, उस वक्त तुम चारपाई पकड़ के बड़ा रो रहे थे कि अब्बू आप मुझे बहुत याद आएंगे। उस वक्त क्यों नहीं तुम्हारी आप ही ने कहा कि साथ ही चले जाओ? और वैसे भी आपका भांजा लंदन जा रहा है, आपकी बहुत याद आएगी, तो लंदन जू चला जाएगा। बहरहाल जुनैद साहब, ये इंतहाई फजूल बात होती है, इस बात को झगड़ा बना लेना। अगर बच्चे जो हैं वो अपनी खुशी से जाना चाह रहे हैं और वो समझते हैं कि हम अगर बाहर जाके सेटल हो जाएं तो हमारी लाइफ ज्यादा अच्छी हो सकती है, तो चले जाएं। अब क्या किया जाए? सच्ची बात यही है, हम इसका अक्सर अपने शो में भी जिक्र करते हैं कि जब शौहर को बाहर जाना पड़ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि उसकी पहली तरजीह यही होनी चाहिए कि बीवी बच्चे साथ जाएं, अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी आड़े ना आ रही हो। मजबूरी है ना, क्या इससे बड़ी क्या मजबूरी होगी कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा जिगर का टोटा है, मैं सिर्फ 5 मिनट ना देखूं तो मेरा दिल डूबने लग जाता है। खुद भी डूब जाओ दिल के साथ। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो आप बाहर तो नहीं ना गए, यहीं थे ना आप? ये भी मगर तुमने भी मेरी जान नहीं छोड़ी, घर से मुझे ले गई और खुद भी मेरे साथ चल पड़ी। जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता रहा हूँ तो मैं साथ लेके जाता रहा हूँ ना। हाँ तो वो पाकिस्तान था ना, ये मुल्क से बाहर है। मुल्क से बाहर है तो माँ बाप से दूर हो रहा है ना, मसला तो ये है। मैं भी अपने माँ बाप से दूर हुआ था। जुनैद साहब, जब भी मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई, मैंने इसे कहा क्या उनको देखा है? नहीं जी, मेरा बच्चा छोटा सा है, मैंने उसे संभालना है। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। अपने जिंदगी के जो मामलात हैं ना, जिस तरह आप दूसरों के साथ रखते हैं, अपने साथ भी फिर वही तवक्को रखें, वही होना है। वैसे माफ करना बहन जी, मेरी भी एक ही बेटी है, आपका तो खैर से बेटा भी है बेटी भी है, मैं भी तो जाने दे रहा हूँ अपनी बेटी को बाहर। रानी तुम पढ़े लिखे आदमी हो, सुलझी हुई शख्सियत हो। क्या मैं जाहिल हूँ? बेशक। इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है? क्या आप एक शादीशुदा बेटे को अपने परांदे के साथ बांध के रखना चाहती हैं? उसकी शादी हो चुकी है, उसके मामलात जो हैं, अब उसमें उसकी बीवी दखल अंदाजी कर सकती है। हम मशवरा दे सकते हैं जुनैद साहब। राइट। अगर बच्चा नहीं मानता तो हम जिद नहीं कर सकते उसके। और शरीक हयात को शरीक हयात क्यों कहा जाता है? कोई इसलिए तो नहीं कहते ना कि उसने लूडो खेलनी होती है। शरीक हयात का मतलब है कि फैसले मिलजुल के किए जाते हैं। उसकी शरीक हयात जाने और वो जाने, असल में जो बीच में एक शरीक वाह हयात है ना जी, ये मामलात को बिगाड़ की जड़ है। जानबूझ के ये इस तरह की बातें करता है कि फिर बहन भी स्टैंड लेती है, उसके कान भरता है, ये क्यों जा रहा है, ये बीवी को लेके क्या पता इसे के बाहर क्या है क्या नहीं है। अम्मी प्लीज ना लड़े, खुशी से भेज दे, वरना जाना तो मैंने है ही। ये देखा लहजे में धमकी देख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। आखिर में यही होता है, मैं तुम्हें इसी बात से बचाता हूँ, तुम नहीं बचती हो, मैं तुम्हें कहता हूँ अपनी इज्जत बचाओ, वकार के साथ सारे काम होने दो। अगर शौहर ने फैसला कर लिया बीवी को साथ लेके जाने का, तो आप बीच में क्या करेंगे? मेरा मतलब है जुनैद साहब कि बेटा भी कई दफा कह चुका है कि अम्मी हमने डिसाइड कर लिया है, प्लीज प्लीज। अब कितनी दफा इसे प्लीज कहे?
भाईजान सनी को सेट तो हो लेने दें, फिर बहू रानी को भी भेज देंगे। तुम सनी की बीवी हो या ये सनी की बीवी है? वो खुद ही अपने मामला तय कर लेंगे। आप अपनी बहन और बहनोई तक ही रहें, जो आपको कई सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं यकीन करें दिल पे पत्थर रख के जा रहा हूँ, आपको छोड़ नहीं सकता। इस तरह की बातें ज्यादा किया करो ताकि अल्लाह सुन ले और कोई बंदा तुम्हारे दिल पे पत्थर मारे। अब्दुल इस्लाम साहब तो बाज ही नहीं आ रहे। मैं छोटे साहब का सामान पैक कर रहा था तो बार बार आके देख रहे थे, ये क्या रख रहे हो, ये क्यों रख रहे हो। मैंने कहा जो छोटी बाजी ने मुझे कहा मैं तो वो रख रहा हूँ। शर्फू मैं, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं तो इसलिए देख रहा था कि उसका वजन ज्यादा ना हो जाए। ये रोटी खाते हुए भी सोचा करो कि कहीं मेरा वजन ना ज्यादा हो जाए। भाई जान मैं आपके इसलिए ताने सुन लेता हूँ कि डैडी की हुई वसीयत मुझे याद आ जाती है। उनकी जिंदगी में तो तुमने उनकी कोई बात मानी नहीं, ये कौन सी वसीयत है जो तुम्हें नहीं भूल रही? और कौन सी डैडी की वसीयत, डैडी की वसीयत, डैडी की वसीयत। डैडी तेरे बड़े डीजी खा के लगा रही थे, वार्ड डबल लैंप सुपरिटेंडेंट थे दुरानी भाई। और वो सिर्फ ये वसीयत कर गए हैं कि बहन का घर ना छोड़ना। वो कोई बता के नहीं गए मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरा कोई प्लाट है, मैंने कोई लॉकर में सोना रखा हुआ है। कह रहे थे डैडी ने वसीयत में 50 घरों की लिस्ट छोड़ी थी जिनसे डैडी मंथली लिया करते। ऐसी बातें ना करें बाबू जी, लोधरा में 2.5 किले जमीन थी। अच्छा। कब्जा कर लिया उस पर? नहीं नहीं नहीं, 2.5 किले नहीं थी, जहांगीर तरीन वाली सारी जमीन पहले आपके डैडी की थी। नाज़रीन में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जो डेली रूटीन होती थी वो या नमाजों के जिक्र के साथ होती थी, नमाज हमारा पैरामीटर होता था, या खाने होते थे। नमाज हमने वैसे छोड़ दी है और खाने हमने लेट कर दिए। भाईजान कितना अरसा पहले की बात है ये कि हमारी गुफ्तगू इस अंदाज में हुआ करती थी कि दोपहर के खाने के बाद मिलते हैं, रात के खाने से पहले मिलते हैं, जोहर के बाद मिलते हैं, असर से पहले मिलेंगे, फलां काम करना है तो मगरिब के फौरन बाद करेंगे, चाय पे मिलते हैं, चाय, हाँ चाय, चलो खाने भी डाल लो, अगर गुफ्तगू कर रहे खाना डाल लो, न्यारी मगर सारा कुछ डाल लो, मामूलात जो थे जो डेली रूटीन होती थी वो या नमाजों के जिक्र के साथ होती थी, नमाज हमारा पैरामीटर होता था, या खाने होते थे। नमाज हमने वैसे छोड़ दी है और खाने हमने लेट कर दिए। एक बड़ी अजीब बात, एक मेडिकल एक्सपर्ट मुझे बता रहा था, वो कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो 24 घंटे में हमने 4 घंटे अपना टाइम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पीछे कर लिया। यानी 4 घंटे का हमने अपने औकात में फर्क डाल लिया, अपनी डेली रूटीन में 4 घंटे का फर्क डाल लिया। यानी 4 घंटे हम ताखीर से उठते हैं बस ये मजबूरी, और फिर रात को 4 घंटे ताखीर से सोते हैं, और फिर खानों में भी ये फर्क आ गया है कि नाश्ता भी दोपहर के खाने से थोड़ा, जो पुराने वक्तों में दोपहर के खाने का वक्त होता था वो अब नाश्ते का वक्त हो गया है। दोपहर का खाना 4 घंटे लेट हो गया और रात का खाना तो 12-1 बजे चला गया है, 11 से 12-1 जो इशा की नमाज के फौरन बाद खा लिया जाता था। अच्छा, अब ये बज़ाहिर तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं लगती, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये आपकी सेहत के साथ भी मजाक है और आपकी मईशत के साथ भी नुकसान है। मईशत तो हम अक्सर आप भी इस पर बात करते रहते हैं कि ना आप सारी रात जागना ठीक है और खामखा जागना ठीक है, ये जो अब 4 घंटे का नुकसान क्यों हो रहा है, हमने 24 में से 4 घंटे कम क्यों कर लिए? वो इस वजह से कर लिए कि जो हम रात को 4 से 6 घंटे एक्स्ट्रा जागते हैं जो पहले नहीं जागते थे वो जाया है, वो हम सिर्फ सोशल मीडिया की नजर कर देते हैं ना, बिजली का भी खर्चा, बिजली का भी खर्चा, इससे पहले वो जो 4-6 घंटे थे वो आप जल्दी सोते थे सुबह जल्दी उठते थे। अब वो ये रहा है कि ये तो मईशत के साथ सीधा सीधा नुकसान है। एक तरफ हम अपने जो है वर्किंग आवर्स बचाने की बात करते हैं, एनर्जी बचाने की बात करते हैं, छुट्टी एक ज्यादा पूरी दुनिया में बहस है कि जी जो वर्किंग डे है ये कम कर दिए जाए, 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी कर दी जाए। हम तो वेली कॉम है,
हम तो रात एक एक दो दो बजे तक बगैर किसी बात के जाग रहे हैं, और फिर हो क्या रहा है कि फिर हमने खाने के औकात भी उसी तरह आगे कर दिए हुए हैं। रात को अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप कोई भी मील लेते हो, खाना खाते हो, तो उसको एटलीस्ट 8 to 10 hours, 8 to 10 घंटे लगते हैं मुकम्मल तौर पर हजम होने में। अब वो लोग जो सुबह भी देर से उठते हैं, रात को देर तक जागते हैं, और सुबह भी उनकी ड्यूटी या काम ऐसा है कि चलो लेट उठे तो खैर है, वो तो चलो, लेकिन अक्सरियत को अपने जब काम पर जाना पड़ता है वक्त पे, तो उनका खाना हजम नहीं हुआ होता। सही, और लेट नाइट तो खाना खाया होता है उन्होंने, 8 to 10 घंटे नहीं पूरे होते, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब होती है, खाना वो डाइजेस्ट नहीं ठीक तरह से कर पाते। दुल्फी साहब, एक तो लेट खाया होता है, ऊपर से पता नहीं कितना खाया होता है, कितना खाया होता है, क्यों जी गोगा जी, बिल्कुल वैसे ही लेट जाते हैं, उधर ही उधर खाना खाया, उधर ही गड़म, वो खाया इतना होता है कि खाने के वजन से ही पीछे गिर जाते हैं, ये देखा मैंने अक्सर। अगर खाने में कस्टर्ड हो तो फिर वो जल्दी गम कर देता है। जुल्फी, तुम्हारी तीनों चारों डिशें बोतल के ढक्कन में आ जाती हैं। अब तो बहुत से लोगों को मुद्दत हो गई है सुबह उठे हुए, रात को जल्दी सोए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। नहीं, ये बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि वो सुबह जब उठते हैं तो कहते हैं कि जनाब हमने को 2 साल बाद सुबह देखी है, सूरज तलू होते देखा है, बिल्कुल फजर के वक्त उठने की आदत ही नहीं रही, बिल्कुल सही, 2 घंटे पहले तो आप सोए नहीं जी, राती जल्दी सोवो, सवेरे सवेरे उठो, सूरज के मत्थे लगो, दी ताड़ी का दी लड़ाई है। हां जी, क्यों जी वारी साहब, अजीज जी भाई से किस बात की लड़ाई है, वो अपने राह जा रहे हैं, तुम अपने काम पे जाना। हां जी गोगा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी गोगा जी। अजीजी भाईजान, जो लोग सुबह सुबह उठते हैं उस वक़्त फिजा और होती है, वाह, और सूरज जो है उस वक़्त कम तबश में होता है, ताज़ा, जी जी, उस वक़्त चेहरे पे रौनक आ जाती है, जो उठते हैं दरख्त जो आप है, सुबह सुबह उठते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो आपके चेहरे पे रौनक क्यों नहीं है? बस अजीजी भाईजान, ये मेडिसिन ने बेड़ा गर्क कर दिया, जाली मेडिसिन बेचते हैं लोग, बेचते होंगे, मैं तो मरीज हूँ ना, मैं कह रहे जाली मेडिसिन की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, चेहरे पे रौनक नहीं आई, चेहरे पे रौनक है। अच्छा, आपके है जी, ये लाइटों की वजह से जरा धुंधला धुंधला, आप अस्पताल देखते हैं बाद में? मैं देखता हूँ जी, तो रौनक देखते हैं अपने मुंह पे जी सर, अब तो HD रौनक होती है, यानी इन्हें करोड़ों रुपये जेड़े ने उन्हों का नास मार, ये HD से इसकी मुराद है हलवा दाल। यार बात ये है कि असल में रवाज जो है ना पाकिस्तान में खास तौर पे जी, वो सारा ही पुट्ठा हो गया हुआ है, और पुट्ठा मेरा ख्याल है इसलिए हुआ है कि हमने ना वो हमें आपड़ थापड़ पड़ गई है, ख्वाहिश बड़ी बढ़ गई है, लालच बड़ी बढ़ गई है, वरना लोगों के पास बहुत टाइम होता था जी जी आराम करने का, कैलूला करने का। अब मैं नहीं कभी किसी को देखता कि कोई गर्मियों को दोपहर पे सोया, बिल्कुल 11-12 बजे हैं, उसके बाद 400 बदल गई, और फिर 12-1 बजे उठ के फिर रात के 2-3 बजे तक जागना, और उसके बाद फिर सोना, और हम इस शेड्यूल की वजह से ये नहीं सोच रहे कि हम सिर्फ अपना सेहत के हवाले से ही नुकसान नहीं कर रहे, हम मुआशी नुकसान बड़ा कर रहे हैं, मुआशी और माशरती दोनों नुकसान कर रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान हम ये कर रहे हैं कि फैमिली टूट फूट का शिकार हो गए, वो इसलिए कि तमाम जो अहले खाना हैं उनके सुबह उठने के औकात एक जैसे हों, किसी ने सुबह सुबह उठ के हर कीमत पे काम पे जाना है, ऑफिस पे जाना है, वो भी आपके साथ आपकी रूटीन की वजह से रात को जागता है, वो गप्पे मार रहे हैं, खाने खा रहे हैं, जिसको लेट नाइट क्रेविंग का नाम दे दिया हमने सब ने, तो वो होम डिलीवरियां हो रही हैं, रात 1-1.5-2, वही बंदा आज से 10 साल पहले जो है, 5 साल पहले समझ लो यार, कि वही 10 बजे, 9, 10, 11 बजे सो जाता था, अब वो 2-2.5, 3-3 बजे तक जागता रहता है, और सुबह उसको उठना पड़ता है। ठीक, बेशक ये तादाद कम है, क्योंकि अब हमने सुबह उठने के मुताबिक ताजर है, दुकानदार है, वो आज से 20 साल पहले जो है वो सुबह सुबह दुकानें खोल लिया करते थे, अब नहीं है, अब वो दुकान ही 11-12 बजे खुलती है, बाजार भी हमारे 11-12, लेकिन जो दफातर हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहाँ पे काम बहरहाल सुबह अर्ली शुरू हो जाता है, स्कूल है, बच्चे यार सबसे बड़ा, बच्चों ने तो टाइम पे स्कूल जाना है ना, तो बच्चे भी आपकी वजह से मुतासर हो रहे हैं, उनकी जिंदगी भी आपकी वजह से मुतासर हो रही है, वो अपनी रूटीन जबरदस्ती ढाल लेते हैं बेचारे, फिर होता क्या है, उनकी नींद नहीं पूरी होती, उनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही, बच्चों की नींद नहीं पूरी। अच्छा, फिर मेरा जाती तजुर्बा है ये कि सुबह का जो वक्त होता है ना जी जी, वो तखलीक का वक्त होता है,
होता है। वाह वाह। आप अगर सुबह सुबह उठ के किसी किताब के, किसी तालीम के, किसी स्कूल के, किसी उस्ताद के मथे लगते हैं जी, या खुद कोई आप काम करना चाहते हैं तो उसमें बड़ी बरकत बरकत। सुबह का वक्त जो है वो तखलीक का वक्त। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बड़ी मेहनत और बड़ा सरमाया लगता है इस काम में। अगर मैंने 100 रुपए वाला नोट बनाना ना तो 70 रुपए बहू जी उस पर लागत आती है। 70 रुपए का खौफ करो, 70 रुपए छोड़ो, मैं कहता हूँ 100 रुपए के नोट पे 110 रुपए भी लागत आती है। वो गैर कानूनी काम है, मईशत का कबाड़ा हो जाता है। नाज़रीन, जाली करेंसी हमारे यहाँ मईशत के लिए भी उतनी ख़तरनाक है जितनी हमारी मआशरत के लिए। जगह जगह इसकी वजह से झगड़े नज़र आते हैं, बदअतमादी की फिज़ा नज़र आती है। आज हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा है एक जाली करेंसी बेचने और छापने वाला मुलज़िम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहू जी। ये जाली करेंसी वाला ना कहें, फनकार बोलें फनकार, बस ऐवें ज़रा एक हिंसे में या कलर में हल्की सी चेंजिंग होती है, बाकी हर चीज़ वैसी परफेक्ट। यार डिटाई देखो इसकी, जाली करेंसी का धंधा करता उसको जस्टिफाई कर रहा है। ओ भाई जान, ये वो टेठा आदमी है जिसने एक नोट छापा उस पे कायदे आज़म हंस रहे हैं। और साथ ये कह रहा है कि भाई जी बुजुर्गों नु खुल्ला दा वास्ता जे खुश भी होने दियो। और जुनैद साहब, ये इतना काम भर गया हुआ है, जाली नोट इतना को मार्केट में आ गया है कि बखुदा बड़ा नुकसान हो रहा है गरीब आदमी को, जिसको बेचारे को जाली नोट मिल जाता है जी। और जिसने दिया होता है वो दोबारा उसके मथे भी नहीं लग सकता। हाँ जी। तो वो तो मारा गया ना यार, अब 5,000 का भी नोट है। हाँ। भाई जान, आपकी इकॉनमी जेड़ी है ना वो इस काबिल नहीं है कि इतने नोट छाप सके। ये हमारी सपोर्ट है जो नोट मार्केट में आता है और डिमांड एंड सप्लाई पूरी हो रही है बाबू जी। कितना ठीक इंसान है यार, मतलब कटरे में खड़ा होकर अपने जुर्म का इतराफ कर रहा है। मैं कहता हूँ जी कि हमारे यहाँ इंसान भी ऐसा नहीं था कि इंसानियत पूरी हो जाए, फिर अल्लाह ताला ने ये अज़ाब हम पे नाज़िल किया। सर ये नकली नोट ऐसा बनाते हैं, बाज़ औक़ात मशीन भी नहीं पकड़ पाती। अजी मशीन नहीं पकड़ पाती, मगर ये अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। आप देखो ना कि ये जिन गरीबों के साथ हाथ कर जाते हैं या इनकी वजह से हाथ होता है, जब मार्केट में नोट आता है तो वो फिर बिखर जाता है, वो फैल जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे मस्कीन के हथे अगर आ जाए या उसको मिल जाए, जिस बेचारे के पास वही है और उसने दवाई भी लेनी है, उस बेचारे ने को अपने घर में मां की दवाई लेके जानी है, अपनी दवाई लेनी है, को अपने बच्चे की लेनी है दवाई, तो वो ना ले पाया तो मरीज की मौत जो है वो इन्हीं की गर्दन में। और 36 सियापे यार, और 36 सियापे, ये तो बखुदा बड़ा खौफनाक जुर्म है और जुल्म है। सर अक्सर बेगुनाह लोग वो जाली नोट की वजह से पकड़े भी जाते हैं, जो जिसकी वजह से उनको बेचारों को जमानत भी करवानी पड़ती है, माफिया भी मांगनी पड़ती है। ये जाली नोट अच्छा, उनको तो नहीं बेचारों को पता होता ना कि ये जाली नोट है। उनके पास कौन सी मशीनें होती हैं? एक उनका वो जाली नोट जाया हुआ, एक उनको पुलिस को नोट देने पड़ा, फिर वहां से निकलते हैं, और फिर पुलिस जो है ऐसे मुल्ज़िम से जो नोट लेती है वो बकायदा बैंक से चेक करा के लेती है। पकड़ते जाली नोटों पे, छोड़ते असली नोटों पे। बाबू जी मेरे साथ हादसा हो चुका है। अच्छा। जी ट्राली च वजा है, ट्राली उलट गई, सारा प्याज सड़क पे खिल रहा हुआ है और ये परे खड़ा हंस रहा है। वो वाला हादसा नहीं, ये वैसे ही अल्लाह की पकड़ में आ जाएगा। प्याज की सड़क पे बेहुर्मती हो रही है और ये खड़ा हंस रहा था। वो फिर अल्लाह की पकड़ में नहीं, किसी अराई की पकड़ में आया। मैंने तो सुना कि गन्ने की ट्राली में लगा था और ये भी गिरा हुआ था, गन्ने भी गिरे हुए थे और ये गिरा हुआ ही गन्ने चूस रहा था। मेरे सामने आया वाकया, मैं भज के उठाया जाके उठो, मैं कहूं पानी पियाओ, कहना नहीं दो जलेबियां खानी है। ओ ठीक साहब, मेरा दुख तो सुन लें, आप जोकें कर जा रहे हैं। और जनाब ठीक साहब, मुझे किसी ने 5,000 का नोट जाली दे दिया था और मैं पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे गया हूँ, वो तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और बाहर निकाल के मुझे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, आप जेल भी जा सकते थे। आपने ये गौर नहीं किया कि कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे बाहर निकाला, वो मोटरसाइकिल में से कहाँ से बाहर निकाल रहे।
यानी सानू बेवकूफ बना के ते गड्डी भी ले ली हो यार इसने मोटरसाइकिल पे दो रॉड लगवा के ना साइडों पर रिक्शे के दरवाजे लगवाए अब भाईजान मैंने रेंट पे गाड़ी ली थी मेरी अपनी नहीं अच्छा चलो फिर ठीक है उसमें मैंने पेट्रोल मुझे बड़ा दुख हुआ है कि इसने गाड़ी ले ली यार किसी का दुख क्यों नहीं सुनते यार सुनाए सुनाए 5000 था वो जो जाली था उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया हाँ जी वो खत्म हो गया दुख और आगे तुम्हारे क्या दुख सुने बड़ी भूखो बहुत हो गई है अब भाई जान मैं एक शरीफ आदमी बिल्कुल गलत बात है सारी गलत मैं नहीं कर रहा कोई शरीफ आदमी नहीं विग लगाता इतनी महंगी यानी रोटियां से पैसे कोई नहीं विग लाई शराफत है काका तू इथे आ जा मैं इथे आ गया तू के पिस्तौल कट लेनी नहीं पिस्तौल नहीं यार मेरी बात सुनो कटहरे में ये नहीं खड़ा कटहरे में वो मुलजम खड़ा है इसकी वजह से मैं जलील हुआ हूं अच्छा ओ यार वो नहीं हुंदा ते कदों तेन सारे डॉक्टर साहब कहंदे ओ माय गॉड और तो और कानून की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की इन्होंने कानून तो कहते अंधा होता है ओ बाजी अखा जे लड़कते पैंदी है ना एने मेनू जाली नोट देता अच्छा एक मिनट करो रुको रुको पहले ये तो बताओ कि उसने तुम्हें नोट दिया क्यों तुम्हारे बेटे की मंगनी थी मैं भी तेनू फड़वांदे आप फड़े चलेगा यानी वो कह रहा है कि उसने मुझे बाहर निकाला वो कह रहा है कि इसने मुझे नोट दिया यार एदा कटहरा रहन दियो मेरा ख्याल है गल इधर उधर हो गई मैंने तो पाकिस्तानी करेंसी अब खर्चनी नहीं अच्छा जी मैंने पाउंड ले लेने बस पाउंड खर्चन तो पहले उन्होंने चावा मार लिया कर इसकी वजह से तो कहते हैं हाथी के पाउंड में सबका पाउंड एक दिन कहते हैं मुझे पाउंड में मोच आई हुई है भाई यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट यार वो कटहरे में नहीं खड़ा कटहरे में इतना बड़ा संगीन जुर्म का मुर्तकिब खड़ा है तू आप दो जुगतम की थी उन्होंने की लड़ाई सर ये जो कटहरे में खड़ा ना सर 5000 लेके 5 लाख रुपए दे देते हैं सर बना एक मिनट पाजी एक मिनट मुझे भी तो बात करने दे बड़ी मेहनत और बड़ा सरमाया लगता है इस काम में अगर मैंने 100 रुपए वाला नोट बनाना ना तो 70 रुपए बहू जी उस पर लागत आती है 70 रुपए का खौफ करो 70 रुपए छोड़ो मैं कहता हूँ 100 रुपए के नोट पे 110 रुपए भी लागत आती है और गैर कानूनी काम है मईशत का कबाड़ा हो जाता है जाली नोट बना रहे हो ज्यादा से ज्यादा तुम नोटों में से पिन निकालने का काम कर लो तुम नोट बनाना शुरू हो गए यार इससे अच्छा है कि बांसुरियां बेच लिया करो और इससे अच्छा है कि मशीनी चूचों को रंग लगाकर साइकिल पे बेचा करो और इससे अच्छा है पानी वाले शापर में छोटी मछलियां डाल के बेच लिया करो नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा किसी को देखते ही या किसी को मिलते हैं देर बाद या किसी मौके पे तो हम एकदम ऐसे कमेंट्स पास कर देते हैं उसके हवाले से या उसकी निजी जिंदगी के हवाले से कि जिससे वो बहुत सख्त तकलीफ में चला हाँ, जी। हाँ। लो जी आज की बद तहजीबियों में मैं एक ऐसी बात करने लगा हूँ जी जी जो बहुत ज्यादा तवज्जो की तालब है जिससे हम बहुत ज्यादा बेएहतियात हो गए हुए हैं हमें ये अंदाजा ही नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं अच्छा वो ये है कि हम किसी को देखते ही या किसी को मिलते हैं देर बाद या किसी मौके पे तो हम एकदम ऐसे कमेंट्स पास कर देते हैं उसके हवाले से या उसकी निजी जिंदगी के हवाले से कि जिससे वो बहुत सख्त तकलीफ में चला जाता है या टेंशन में चला जाता है या उसका बड़ा काम खराब हो जाता है बिल्कुल मतलब जैसे सेहत के हवाले से हम अक्सर कह देते हैं कोई तेनू की हो गया मेरा दिल करता है कि वो कहे कि मेनू छोड़ दे तेनू की हो गया ये बात है कि ये तक इत्तफा नहीं करते ये कहते हैं यार तू अपने टेस्ट करा उतरा तेरा रंग पीला पे गया पूरे तेनू हेपेटाइटिस नहीं हो गया मतलब आखिर तक जाते हैं अब बीमारियां साथ बतानी शुरू हो जाते हैं हां जी इसी तरह कपड़ों के हवाले से हम बड़े बुरे कमेंट्स पास कर देते हैं ये नहीं पाया यार खुदा के लिए ये क्या एकदम क्यों आपने ऐसा कह दिया कि वो बेचारा जो है वो डिसहार्ट हो जाए उसका दिल टूट जाए दिल टूट जाए उसका या किसी भी शक व शुबे का इजहार करने लगे तजब्जब में मुब्तला हो जाए मतलब अगर कोई बंदा
कोई बाइक नहीं लेता है, कोई गाड़ी नहीं लेता है, कोई चीज नहीं लेता है, तो जरूर तबसरा करते हैं और यार यार इसी लेनी यार यार वो ले बैठा है यार उसको क्यों तुम ओ यार इसी लेनी तो खरीदन तो पहले मेरे को तो पूछ लेना हां मुझसे तो पूछ लेते मतलब पूछी यार मैं हर गल कदो तेरे को पूछ ले तू तो आप भी विकलो पूछ के काम कर रहा मैं आपको नहीं कह रहा वैसे बात अच्छा एक और बड़ी अजीब सी चीज है हम ऐसे ही ना अजराह तफन्नन कह लें या लाड में या दिल रखने के लिए दोस्त की बीवी को ये जरूर कह देते हैं उसके सामने दोस्त की बीवी के सामने ऐसे ही दोस्त को जिसके साथ जरा फ्रैंकनेस होती है शुक्र कर भाभी के आने की वजह से तू ठीक हो गया वरना तू टगे दा बंदा नहीं सी ओ भाभी जेड़ी ओ ते चौड़ी हो गई आपने यार उसकी क्यों बेचारे की बेइज्जती करवा दी आप इस तरह कहेंगे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह खूब जोड़ी है आपकी बिल्कुल भाभी भी बहुत अच्छी है तुम भी भाभी हमारा दोस्त भी बड़ा अच्छा है हमारा भाई बहुत अच्छा है मेरा मतलब है कि एम एक को खुश करने के लिए या उसकी नजर में ये रखने के लिए कि आपका वो दोस्त बहुत अच्छा है वो आया है तो फिर चाय और बिस्कुट भेजूंगी मैं ड्राइंग रूम सिर्फ अपने दो बिस्कुट आंसते दोस्त भी बिस्ती करा के निकल जाने भाई दोनों को इज्जत दें दोनों को इक्वल इज्जत दें आप अच्छा एक और बड़ी अजीब सी बात है कि हम फैमिलीज मिलते हैं जब एक दूसरे को तो हम बच्चों के हवाले से बड़ी बुरी बात करते हैं बच्चों की जिसामत के हवाले से या बच्चों की कोई किसी शरारत के हवाले से इस तरह का मजाक या इस तरह के कमेंट्स पास कर देते हैं जिससे दिल टूट जाता है माँ बाप का दिल टूट जाता है और बच्चा बेचारा जो है वो अब वो बच्चे नहीं है जो सुन के हाथ हो जाए बैठे रहे अब बच्चे बड़े तेज हैं अब तो बच्चे कई दिन जान नहीं छोड़ते उस अंकल ने ये क्यों कहा था मामा वो अंकल पागल है तो उन्होंने फिर ये क्यों कहा था ना बेचारी एक जोगी क्या हो पुत्र अंकल पागल तो ना वो क्लियर करने जोगी किस तरह भी नहीं होना चाहिए आप जब किसी दोस्त के हाँ या किसी रिश्तेदार के साथ फैमिली मीटिंग्स जब होती हैं आप आपस में फैमिलियां मिलती हैं तो बहुत मोहतात रहना चाहिए और फिर जब फैमिलियां आपस में मिलती हैं तो ये लाजमन कोई ना कोई शोखी ऐसी कोई शेखी बखेरने के चक्कर में वो खातून खाना या कोई बंदा जरूर ऐसी बात करता है जिससे अपनी अमारत को उजागर करता है और दूसरे की गुर्बत को निशाना बनाता है ये बड़ी खतरनाक चीज है बड़ी खतरनाक चीज है बच्चों का दिल टूट जाता है बच्चे नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं बच्चे अगर उनके पास अल्लाह ना करे सबको अल्लाह पाक दे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ना करे अगर कोई बेचारा गरीब बच्चा है तो वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं कोई ताना सुन के बिल्कुल हौसला अफजाई रखनी चाहिए जिन हालात में भी अल्लाह रखता है उसमें खुश रहना चाहिए क्या जरूरत है इस तरह की कोई बात करने की जी जी किसी माड़े आदमी की तारीफ करना और उसकी इज्जत करना अल्लाह पाक भी खुश होते हैं हाँ जी उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए वो आदमी बेहतरीन है बहुत वधिया है वेरी गुड है इस तरह के आप कमेंट्स पास कर दें वो बेचारा हौसले में रहते हैं बब्बर शेर शहजादा चीता ए अल्फाज कह के अद्धा मल्ला गोगा जी को काम करवा लेंदा अल्लाह गोगा जी को ये ज़हन में होना चाहिए कि केड़ा चीता है जिदे च हवा भरी जांदी है या बब्बर शेर केड़ा जेड़ा विग ला के फिरदा या केड़ा शहजादा है जेड़ा शाहपुर च नियाज ले के घर जांदा अजीज जी भाई जान तुसी हुण ये लेक्चर दे रहे सी कि किसी दा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हुण तुसी सारे शुरू हो गए यार गोगा जी बात समझा करो लोगों को पता है कि तुम खुराक के हवाले से बहुत मशहूर हो मैंने नहीं वो जुल्फी ने कहा कि गोगा जी को मलेदार शेर बबर चीता कहते हैं मैं जी साहब को यही तो पूछना चाह रहे हैं कि बबर शेर चीता कहने तेन गश नहीं पी यार पीछे ढोल गा के कह लेते हैं क्या बड़े भाई से कहते हैं कि थोड़ी देर मुझे पकड़ के रखना हाथी नहीं कहता चूंकि एक दफा हाथी कहा था इसने तो इसे कड़ल पड़ गया ये जो बात हो रही है ना जी के फैमिली मीटिंग्स जी सर मैंने अक्सर देखा है कि जब रिश्तेदार भी बेचारे आते हैं ना माड़े जी जी अब ये हो गया हुआ है कि पेरेंट्स जो है ना
घर में जो अच्छे घरों के लोग हैं उनका अगर कोई बेचारा माड़ा रिश्तेदार आ जाए ना जी, हाँ जी, तो वालदैन खुद बच्चों को ये तरबियत दे रहे होते हैं कि बेटे इनके साथ नहीं खेलना, जाओ अपने कमरे में, छुप छुप के उनको समझा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को बल्कि छोड़ें, डरे ना कुछ नहीं। वो गरीब का बच्चा जो है वो हो सकता है आपके बच्चे को कोई ऐसी बात बता जाए जो उसको किताबों में या आलमों से भी ना मिले। क्या बात है। इसलिए आप हर किस्म की सोसाइटी में बच्चे को लिव करना सिखाएं, बल्कि उसको ये सिखाएं कि माड़े आदमी से प्यार करते हैं, बिल्कुल मोहब्बत करते हैं। हाँ। पैसों से नहीं बंदा अच्छा बुरा होता, बिल्कुल असल तो किरदार की वजह से अच्छा बुरा होता। पैसे तो अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, आपको ज्यादा दे दिए, उसको कम दे दिए, इसमें कौन सी चोगी वाली बात है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक खूबसूरत शेर, इससे अंदाजा लगा हिजर की कड़वाहट का, इससे अंदाजा लगा हिजर की कड़वाहट का, कि तेरा आखिरी खत दीमक से भी खाया न गया। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।